हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ जर्नल दैट इज आल्सो नाउन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इट मींस ये वो बुक्स हैं जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास तीन तरह के अकाउंट होते हैं पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इसी तरह सेकंडली रियल अकाउंट रियल अकाउंट का क्या रूल होता है वट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट मतलब कि जब एसेट्स रियल अकाउंट आ रहा है तो डेबिट जब जा रहा है तो क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें हमारे पास इनमें से कोई भी दो अकाउंट होंगे तीन अकाउंट भी हो सकते हैं दोनों पर्सनल हो सकते हैं एक पर्सनल एक रियल हो सकता है एक पर्सनल एक नॉमिनल हो सकता है या एक पर्सनल और एक रियल भी हो सकता है ठीक है तो इसको हम एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम क्या है एंटर द फॉलिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल ठीक है तो आगे आपको बिजनेस की कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं आप इनको रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हम जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे तो जर्नल का परफॉर्मा आप बनाएंगे सबसे पहले होगा कॉलम डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट ठीक है बुक्स ऑफ मनोहर लाल डेट पर्टिकुलर्स लेक्चर फॉलो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट ठीक है तो ये है हम आपका परफॉर्मा जर्नल का तो इस परफॉर्मे में हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास पहली ट्रांजेक्शन क्या है मार्च फर्स्ट की टू थाउजेंड तो आप डेट वाले कॉलम में लिखेंगे टू थाउजेंड ट्वेल्व डेट इज़ फर्स्ट मार्च फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मनोहर लाल ने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया कैश आया कैश क्या है रियल अकाउंट किसने दिया मनोहर लाल ने मनोहर लाल कौन है पर्सनल अकाउंट तो मनो बिजनेस में हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नाउन एज कैपिटल तो आपकी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी आपके पास दो अकाउंट हो गए एक पर्सनल एक रियल रियल अकाउंट क्या हो रहा है कैश आ रहा है वट कम्स इन डेबिट दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट गिवर क्रेडिट टू कैपिटल मनोहर लाल जगह क्योंकि वो बिजनेस का ओनर है हम डालेंगे कैपिटल कितने से सिक्सटी थाउजेंड डेबिट कॉलम में एंड सिक्सटी थाउजेंड क्रेडिट कॉलम में तो आपकी नरेशन होगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ठीक है इसी तरह सेकेंड मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश फर्नीचर परचेज किया हमने कैश के तो दोनों रियल अकाउंट हो गए फर्नीचर भी हमारा एसिड है और कैश भी तो आपने जब फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ठीक है कैश जा रहा है कितने का जितना भी अमाउंट है डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट कॉलम में भी एंट्री क्या हो रेशन uh, क्या होगा आपका Being furniture purchased for cash, ठीक है उसके बाद फोर्थ मार्च की ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश जो गुड्स हम बिज़नेस के लिए हमने पहले भी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स का मतलब क्या है जिस का हम बिज़नेस कर रहे हैं ठीक है तो उसको हम परचेजिस के अंडर लेंगे तो आपने स्टॉक ख़रीदा है आपके पास स्टॉक आ रहा है देन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आपने ये क्रेडिट पर खरीदा है तो जिस पर्सन से आपने खरीदा है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश देखिए अब आपने गुड्स परचेज की कमलेश से दैट मीन्स दैट इज अ क्रेडिट परचेज फिफ्थ मार्च की तो आपकी निरेशन होगी इसकी बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश नेक्स्ट फिफ्थ मार्च की ट्रांजेक्शन है आपकी अबाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश कमलेश से चीजें खरीदी आपने देन एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश दैट मीन्स कमलेश से आपने क्रेडिट पर परचेज किए हैं फिफ्टीन थाउजेंड के ठीक है तो आपका सेम रेशन फिर होगा बींग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश कैश की जगह पर हम हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनका नाम मेंशन करेंगे नेक्स्ट है सिक्सथ मार्च की एंट्री आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश आपने चीज़ें सेल की हैं दैट मींस आपके पास कैश आ रहा है देन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने की आपने चीज़ें सेल की हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड की देन रेशन बिल भी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ठीक है नेक्स्ट एंट्री आपके पास एट थ्री एट्थ मार्च की सोल्ड गुड्स टू हरी आपने चीजें हरी को सोल्व की दैट मीन्स आपके डेट्रस क्रिएट हुए हैं हमने उधार सेल किया है देन एंट्री बिल भी डेबिट रिसीवर एंड टू सेल्स हरी डेबिट टू सेल्स थर्टी थाउजेंड बींग गुड्स टू हरी ठीक है तो आगे है आपके पास टेंथ मार्च की ट्रांजेक्शन पेड कैश टू कमलेश फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड कमलेश को पे कर दिया तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा रियल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड वट गोज आउट देन एंट्री विल बी कमलेश अकाउंट डेबिट टू तो कैश फिफ्टीन देन एंड रेशन क्या होगा आपका बीइंग सॉरी बीइंग कैश कमलेश ठीक है इसी तरह आपको जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है जो भी आपके पास बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें जो जो भी अकाउंट हैं उसके हम जो भी मैंने जो रूल बताए हैं आपको उनको फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स पास आउट करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही हैव अ नाइस डे